रवि जी, है और कल आपको कांग्रेस का हम बिगड़ी, बात अगर कर रवि जी जिम्मेदार कौन होगा फिर, आप लोग या शिवसेना कौन जिम्मेदार होगा? अभी राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री मातोश्री पे बैठे, मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक हमारे हृदय में है और मुझे लगता है उन्होंने खुद अभी बोलना चाहिए कि शिव सैनिक और वो खुद मिलके आओ आप सब मिलके और वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री का फर्ज। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएंगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे हमारा यूज। कानून व्यवस्था कल खराब होती है तो जिम्मेदार शिवसैनिक होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। हम शांति के मार्ग पे आए हैं और हमने तो अपने लोगों को आह्वान किया है कि जहाँ पर आपके माध्यम से मैं आह्वान फिर करना चाहूंगी, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता और राम भक्त हैं और हनुमान संकट मोचन जी के भक्त हैं, जो भी आने की तैयारी कर रहे हैं और जो मुंबई से भी जितने भी भक्त आने की तैयारी में थे, उनको मैं यही आह्वान करूंगी कि मुंबई की सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, जहाँ पर है वहाँ पर ही आप थमिए। हम दोनों पर ये बात जरूर है कि हम दोनों जाएंगे और शांति के मार्ग पे हनुमान चालीसा का पाठन हम जरूर करेंगे। अगर हिंसा और कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे चलने वाले शिव सैनिकों की होगी।